वडोदरा संस्कारी नगरी और कला नगरी कहलाते इस शहर को धरोहर माना जाता है। इस शहर के लिए कई राजा महाराजा साहूकार और सामान्य लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन इन सभी का योगदान महज इतिहास के पन्नों में दबा रह गया। लेकिन उनके किए गए कार्यों की वजह से आज भी कुछ इमारतों या स्थलों की वजह से उन्हें याद किया जाता है। उन्हीं में से एक जगह की आज हम बात करने जा रहे हैं। शहर जो जाना जाता है अपने स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स की वजह से। इस शहर की शायद ही ऐसी कोई गली हो, शायद ही ऐसा कोई रास्ता हो जहां पर ऐसी कोई इमारत या ऐसी कोई जगह ना मिले जिसके पीछे इतिहास की कोई कहानी ना हो। इस शहर में हर एक जगह कोई ना कोई कहानी बयां करती है। इसी तरह एक ऐसा सर्कल जहाँ से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, ये सर्कल है वडोदरा का काला घोड़ा सर्कल, जहाँ से रोजाना आप आते जाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ खड़ी ये भव्य प्रतिमा भी इतिहास की कई कहानियों को समेटे हुए हैं? तो चलिए आज आपको सुनाते हैं वीएनएम टीवी के सिटी स्पॉट में काला घोड़ा की कहानी। वडोदरा शहर में यूं तो कई राजाओं ने राज किया और वडोदरा शहर के विकास में अपना योगदान दिया, लेकिन जिस तरह राजस्थान के उदयपुर का नाम लेते ही हम सभी की जुबा पर महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का नाम आ जाता है, उसी तरह जब भी वडोदरा शहर की और यहाँ के विकास की बात होती है तो सभी के जहन में सर सयाजीराव गायकवाड़ का जिक्र जरूर आ जाता है। आज भी उनके नाम पर हमारी आंखों में सम्मान दिखाई देता है। बस उन्हीं की ये प्रतिमा जो वडोदरा शहर को याद दिलाती है अपने राजा के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं इस स्टैच्यू से जुड़ी कहानी के बारे में। वडोदरा की शान में खड़ी इस प्रतिमा के इतिहास की कहानी थोड़ी लंबी है और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं यहाँ के हिस्टोरियन चंद्रशेखर पाटिल से। जब श्रीमंत महाराजा सयाजीराव थर्ड जब डिसाइड हुआ तो उनके कार्यकाल में 50 साल पूरे होते हैं, मतलब गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन होता है, बहुत अच्छे से मनाएंगे इस तरह से। बड़ौदा स्टेट की एक कमेटी थी, उन्होंने डिसाइड किया और पब्लिक में अवेयरनेस लाके पब्लिक का पैसे से कौन सा आर्टिस्ट बनाएगा क्या बनाएगा वो डिसाइड हुआ और महाराजा सयाजीराव थर्ड ने उसके लिए सिटिंग भी किया। तो हॉर्स में बैठे हुए 50 साल जैसे होते हैं उनके, तो 50 साल में अपना जो हॉर्स है उसके ऊपर बैठे हुए प्रतिमा और मिलिट्री ड्रेस में बनाने का तय हुआ और उसी संदर्भ में फिर उसके बाद धीरे धीरे आर्टिस्ट फाइनल हुआ। वोरेंट वुड करके ब्रिटिश आर्टिस्ट था, उन्होंने सयाजीराव महाराजा सयाजीराव खुद वहाँ गए और उन्होंने उसके लिए सिटिंग दिया स्टैचू के लिए और उसको देकर फिर उन्होंने बनाया। 1912 में तय हुआ था कि भाई इसको बनाना है और इसका इनोग्रेशन करेंगे ऑफिशियली, लेकिन वो कमेटी जो है बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाई और ये थोड़ा लेट भी आया। तो 1914 में तय हुआ कि भाई इनोग्रेशन करेंगे तो किसको बुलाया जाए से तय हुआ। तो उस पीरियड में महाराजा यशवंतराव होलकर इंदौर स्टेट के महाराजा थे वो और उनकी वाइफ 14 मार्च को आए और ये जो स्टैचू है इसका इनोग्रेशन उनके हाथों के थ्रू हुआ और उनके साथ में महाराजा सयाजीराव थर्ड और चिमनाबाई सेकंड भी थे और बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेशन हुआ और इसका इनोग्रेशन हुआ। और यहाँ उसका जो प्लेट है उसमें 10 मार्च लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, वो गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली 11 मार्च है, 1863 को उनका बर्थ है 11 मार्च 1863 में और 1940 में 6 फरवरी को वो अपना स्वर्गलोक सिधर गए।
इसका खासियत ये था कि ये ब्रोंज का अष्टधातु से बना हुआ मूर्ति है और पब्लिक ने पैसा इकट्ठे किया। महाराष्ट्र तो थे, वो तो तैयार थे पैसा देने के लिए, लेकिन उन्होंने पब्लिक ने बोला बड़ौदा स्टेट की कि हम लोग सब कंट्रीब्यूशन करेंगे। अलग अलग स्तर पे कमिटीज थी तो सबने मिल के पैसा दिया। तो बड़ौदा की प्रजा का ऐसा इंटरेस्ट था कि भाई ये स्टैचू स्पेशली हम लोग महाराजा को गिफ्ट करेंगे, उनके 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस संदर्भ में ये मूर्ति बना। और आर्टिस्ट महाराजा ने ही पसंद किए थे और कमिटी ने भी पसंद किए थे, तो वो आर्टिस्ट जो थे तो वो तो ब्रिटेन के आर्टिस्ट थे, तो वहाँ जाके बना हुआ ये। तो महाराजा सयाजीराव खुद वहाँ पे गए, उनके स्टूडियो में उनके लिए सिटिंग दिया, पोर्ट्रेट सिटिंग, और फिर ये बना हुआ। इनोग्रेशन हुआ, पूरा शामियाना बनाया गया था यहाँ पे। उसके बाद इनोग्रेशन से लेके अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। उसका पुराना पैटिनाइजेशन था, हल्का सा ब्लैकिश था, इसलिए उसका नाम काला घोड़ा पड़ा। तो लोगों ने बोला बनने, ये तो महाराजा सयाजीराव का स्टैचू था लेकिन काला घोड़ा से ही फेमस हुआ। तो पहले से इसका कुछ नाम था या बस प्रतिमा थी? इसका स्टैचू का नाम बस महाराजा सयाजीराव थर्ड था। अच्छा। तो लेकिन लोगों ने काला घोड़ा ज्यादा पसंद किया क्योंकि इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए फिर ये काला घोड़ा इस तरह से फेमस हुआ। और ये जो जगह है, ये जो म्यूजियम है या फिर जैसे गार्डन है, ये पूरा बॉटनिकल गार्डन है। तो ये जगह आधा बड़ौदा स्टेट का था, आधा कमाटीपुरा करके गांव था उसका था, और आधा अपना इनको ब्रिटिश लोगों को जगह दिया था, तो वो सब मिला के ये गार्डन बना। और जो कमाटीपुरा था उसके जो लोग थे विस्थापित, उनको अपना जो नवी धरती है वहाँ पे उनको बिठाया गया, मतलब उनका वापिस घर मकान बना के दिए गवर्नमेंट ने। और उसको काला एक तरह से दूर से आइडेंटिफाई करना आसान होता है, दूसरा काला कलर वो पैटिनाइजेशन किया हुआ है। पैटिनाइजेशन मतलब ये होता है कि जो हल्का ऐसा ब्लैकिश है, नॉट हम लोग उसको एग्जैक्ट काला नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो कलर है तो दूर से वो लोग काला जैसा ही दिखता है, तो वो है ब्राउनिश ब्लैक है। तो इससे क्या होता है, उसका जो लेयर होता है वो मेटल के ऊपर चढ़ने से क्या होता है, एक तरह का क्लियर सरफेस मिलता है, जिससे उसमें पानी ऐसा कुछ डिपोजिशन वो बैठता है तो भी वो नीचे गिर जाता है। और दूसरा उससे रस्ट नहीं लगता मेटल को, क्योंकि ये ब्रोंज का बना हुआ है, तो ब्रोंज की चीज़ को क्या है, वो कोर फॉर्म में जाने का जल्दी कोशिश करता है मॉइस्चर पानी और ये सब से, तो वो एक तरह का बनने की वजह से क्या होता है, उसमें जाता नहीं और वो एज इट इज रहता है। तो ये था। अभी रिसेंटली वडोदरा कॉरपोरेशन ने इसका पैटिनाइजेशन कुछ कुछ जगह से निकल गया था, क्योंकि उसका कारण ये है कि बहुत सालों से उसको घिसा जा रहा था, और कॉमन मैन को करवाते हैं वो लोग घिसने का धोने का जब भी उनका बर्थ डेट होता है, तो वो उसमें क्या होता है, उनको थोड़ी पता होता है इसको नहीं निकालना है, वो लोग काला क्यों दिख रहा है, घिसो घिसो घिसो, तो ऐसे करते करते बहुत सारी जगह से निकल गया था, तो उसको वापस रिमूव करके अगेन न्यू पैटिनाइजेशन किया ताकि उसका लाइफ और बढ़े और हमारा जो ब्रोंज है वो खराब ना। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो अपने कर्मों और सिद्धांतों से यहाँ के लोगों को जीने का तरीका सिखा गए। अपने काल में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, उन्होंने ऐसे ऐसे विकास के प्रति अपने योगदान दिए जिसे आज भी ये शहर बहुत खुशी से याद करता है। जब भी उनका नाम आता है तो हर किसी की आंखों में उनके प्रति सम्मान नजर आता है। यूं तो ये मुमकिन नहीं है कि ये शहर अपने राजा को भूल जाए, लेकिन फिर भी सयाजी बाग के पास खड़ी ये भव्य प्रतिमा अपने राजा और उनके इतिहास की यादों को जीवंत रखती है, जो शायद कहीं ना कहीं ये दौर भूलता जा रहा है। बस उन्हीं यादों को फिर से जीवंत करने के लिए वीएनएम टीवी हर रविवार आपके सामने लेकर आता है इससे शहर से जुड़ी कई सारी कहानियां। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि इस शहर के लोगों को पता चले कि उनके शहर की क्या खासियत है। फिर मिलेंगे अगले रविवार एक और कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. हमें लड़की पसंद है, कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments, jyada number se grand living room with an amazing view, sath ek comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehla bedroom with an amazing balcony view. Sath the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best vaat apartments ni ye chhe ka ya tumne mara chhe walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
दिल्ली में काफी सारे क्रिएटर्स को देखता था और वो अपने खुद की सिटीज को एक्सप्लोर करते थे, दिखाते थे। तो मैंने देखा कि बहुत कम लोग थे जो वडोदरा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वडोदरा की चीजें, फूड ब्लॉग हो गया या फिर कुछ भी हिडन प्लेसेस हो गए, मंदिर हो गया, पुरानी चीजें हो गई। तो मुझे ऐसा हुआ कि लाइक हमारे वडोदरा के इनसाइड, मतलब कि अंदर वडोदरा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक्सप्लोर करके दिखानी चाहिए। सुमित, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन सा है? इरफान जूनियर जो करके, जो कि पाकिस्तान के है। योर फेवरेट कलर? रेड। मैंने भी आज रेड पहना। हाय, आई एम सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी का बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सफल कुछ लोग हो पाते हैं। उनकी मेहनत के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। तो अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं और किसी ना किसी वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ इन्फ्लुएंसर, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को जो आपको बहुत सारी टिप्स देंगे और आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे कहाँ पे चूक हो रही है वो बताएंगे और उनकी इन्फ्लुएंसिंग की कहानी क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते कई बार इनका पेज देखा होगा। तो चलिए मिलते हैं सुमित देसाई से। और सुमित देसाई जी जो हैं वो वडोदरा इनसाइडर पेज चलाते हैं इंस्टाग्राम पर और कई सारे उनके वीडियोस ऐसे हैं जो वायरल हो चुके हैं, आप तक भी पहुंचे होंगे और आप ये भी सोच रहे होंगे भाई इस बंदे के सक्सेस की कहानी क्या है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो चलिए आज मैं आपको उनसे मिला ही देती हूँ। तो सुमित, हमारे स्टूडियो में आने का आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया VNM। तो लाइक मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। VNM को मैं काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहा हूँ तो ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए भी कि मैं VNM के साथ ऐसा टॉक शो कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। सुमित जी जो है वो पॉडकास्ट भी चलाते हैं लेकिन सबसे पहले हम उनका जो इंस्टाग्राम पेज है, वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके इंस्टाग्राम पर 27.5 के फॉलोवर्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनका पेज है वडोदरा इनसाइडर। तो सुमित, वडोदरा इनसाइडर आपका पेज है, लोग वर्ल्ड वाइड में फेमस होना चाहते हैं लेकिन आपने शुरुआत वडोदरा से की, तो इसके पीछे का रीजन क्या था? एक्चुअली मैं काफी सारे क्रिएटर्स को देखता था और वो अपने खुद की सिटीज को एक्सप्लोर करते थे, दिखाते थे। तो मैंने लाइक ये जो पेज था वडोदरा इनसाइडर वो जब क्रिएट करने से पहले मैंने काफ़ी मेरे शहर को, वडोदरा को एक्सप्लोर किया, जैसे कि पावागढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक जानी चाहिए। तो मैंने देखा कि बहुत कम लोग थे जो वडोदरा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वडोदरा की चीज़ें, फूड ब्लॉग हो गया या फिर कुछ भी हिडन प्लेसेस हो गए, मंदिर हो गया, पुरानी चीज़ें हो गई। तो वो उसके वीडियोस बहुत कम लोग बनाते थे। तो मुझे ऐसा हुआ कि लाइक हमारे वडोदरा के इनसाइड, मतलब कि अंदर वडोदरा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लोर करके दिखानी चाहिए। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं वडोदरा को रिप्रेजेंट करूँ, वडोदरा की चीज़ें लोगों तक पहुँचाऊँ। तो उसी से ये नाम रखा मैंने, वडोदरा इनसाइडर। काफ़ी अट्रैक्टिव नेम है। और ये पेज आपका कितना पुराना होगा, कब से आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं? ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वडोदरा इनसाइडर को, आई थिंक 1.5 साल हुआ होगा, 1.5 ईयर। 1.5 साल में 27 के फॉलोअर्स, बहुत बढ़िया। तो जो आपका क्या क्या आप अपने पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्चुअली मैंने शुरू किया था पावागढ़ से, पावागढ़ के वीडियोस मैंने डाले थे शुरू में कि पावागढ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो, मतलब लोगों को यही है कि पावागढ़ में सिर्फ जो महाकाली माता जी का मंदिर है वही है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की, जो पुराने मंदिर थे वो दिखाए, फिर धीरे धीरे मुझे लोगों के सजेशन आने लगे कि फूड व्लॉग भी तुम स्टार्ट करो, तो मैंने स्ट्रीट फूड कवर करना स्टार्ट किया। तो अभी उसमें लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो स्ट्रीट फूड में मेरा जो है ज़्यादा फोकस है और वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो भी मैं बना रहा हूँ साथ में, दोनों चीज़ें। मैंने आपका फर्स्ट वीडियो आपने बताया पावागढ़ का था, तो आपको कैसा रिस्पांस मिला पहला वीडियो डालने के बाद, आपको कितनी खुशी हुई जब वो वीडियो वायरल हुआ? तो एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था कि एक वीडियो डाला और पहले वीडियो से ही मुझे बहुत सारे व्यूज आ गए, ऐसा नहीं था।
लाइक मुझे, मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए। मुझे सिर्फ इतना था कि मैं अच्छा वीडियो बनाऊं जिसमें एडिटिंग सही हो, स्टोरी टेलिंग बढ़िया हो, और जो भी शॉर्ट्स मैंने लिए है सिनेमेटिकली तो वो सही हो। तो वीडियो बहुत अच्छे बने थे शुरू में, तो मुझे सिर्फ इतना था कि हाँ वीडियो अच्छे बन रहे, फिर वो लाइक्स और व्यूज तो बाद की बात है, वो तो आते रहेंगे। तो ऐसे मैंने फोकस पहले इस पे ही किया कि अच्छा काम दूं मैं, तो धीरे धीरे फिर अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो फुल टाइम मतलब यही काम करते हो कि आप कुछ और भी करते हो इसके साथ साथ? नहीं, फिलहाल तो यही कर रहा हूँ, और अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं जॉब कर रहा था और अभी मैंने ये फुल टाइम कर लिया है इस चीज को। आप जॉब किस फील्ड में, मतलब आपकी स्टडीज वगैरह किस फील्ड में थी? मैंने बीकॉम किया हुआ है एमएस से, एमएस यूनिवर्सिटी से। 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, देन मैंने कॉल सेंटर में जॉब की थी। तो मतलब काफ़ी टाइम तक मैं कॉल सेंटर में ही जॉब की है, फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन में भी 2-3 एजेंसी के साथ मैंने काम किया हुआ है, मेरी फिल्म में, मतलब कि वीडियो बनाना हो गया वो सब। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे खुद को लाइक खुद का पेज अगर ग्रो करना है तो मुझे थोड़ा फोकस ज़्यादा इसमें देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एक्जैक्टली। तो ऐसा डर नहीं लगा जॉब स्विच करने के बाद इस फील्ड में, क्योंकि वहां तो आपकी इनकम फिक्स होती है लेकिन शायद इसमें इनकम फिक्स ना होती हो? एग्जैक्टली। नहीं मतलब डर तो लगा था थोड़ा, मतलब होता है कि क्योंकि मिडिल क्लास से अगर कोई आ रहा है तो उसको सबसे पहला यही चीज रहता है कि हम घर में हेल्प कैसे करेंगे अगर सब कुछ हमने छोड़ दिया। तो मतलब थोड़ा था, लेकिन थोड़ा खुद पे भी कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे में स्किल है, कुछ है चीज़ें जो मैं मैनेज कर लूँगा। तो बस उसी तरह। तो कितना मतलब इस पे हो, आपके जॉब से आप सेटिस्फाई हो जॉब छोड़ने के बाद ये काम से? एग्जैक्टली, मतलब खुश हूँ। भले मतलब अभी मतलब फिक्स नहीं रहता है यहाँ पे इनकम, कभी कभी ज़्यादा भी निकल जाता है, कभी कभी कम निकल जाता है, लेकिन मज़ा आता है। खुद का काम, जो पसंद का काम अगर हम करते हैं तो उस चीज़ में मन भी लगा रहता है और मज़ा आता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो इनकम सोर्स क्या होगा इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ रिस्क लगती है, तो कोई अपना फर्स्ट अगर काम जॉब कर रहा है तो उसके साथ साथ कोशिश करता है इन्फ्लुएंसिंग के लिए, क्योंकि उसमें इनकम फिक्स नहीं होती, तो आपके हिसाब से मिनिमम क्या होती होगी? मतलब कि शुरू में तो मैं यही बोलूँगा कि लाइक जब हम ये चीज़ शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो। मैंने भी जब शुरू किया था तो मैं जॉब भी करता था, इवन मैं कॉलेज में था तो स्टडी के साथ साथ ये चीज़ें करता था। जब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जब मेरे पास थोड़ा बैकअप था, तब मैंने फुल टाइम इसमें दिया। लेकिन अगर इनकम की बात करूँ तो इनकम के सोर्स बहुत है। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का ही जमाना है, इसी का ही जमाना है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे ऐसे सोर्स है जिससे हम अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, एडिटिंग के रिलेटेड स्किल है, या फिर आपके पास वीडियो शूट करने की स्किल है, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं कि सिर्फ एडिटिंग के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं, सिर्फ आपको वीडियो शूट करना है वहां पे जाके। तो उस तरीके से आप जो है इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब केवल एक सोर्स नहीं है, अगर इस फील्ड में जाए तो जितनी क्रिएटिविटी होगी उतने ज्यादा आपको फायदा होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, और अगर आपको कुछ चीज दी जा रही है, कुछ चैलेंज दिया जा रहा है, तो आपके ऊपर है कि वो आप किस क्रिएटिव वे में आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी ये वाली बात, आपके जो कंटेंट है उसके बाद। आपको इस फील्ड में चैलेंजिंग क्या लगता है? वैसे चैलेंजिंग तो देखने जाए तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफली रिसर्च में थोड़ा टाइम जाता है। अगर किसी चीज़ के लिए अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी मंदिर के रिलेटेड बना रहा हूँ मैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही रहता है कि रिसर्च, उसका जो रिसर्च होना चाहिए वो एकदम पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी चीज़ें होती है जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि एक वर्ड इधर से उधर ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी इश्यू होता है तो लाइक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है आगे जाके। तो मेन तो यही है कि रिसर्च की, रिसर्च अच्छे से करनी होती है आपको। आपको ये नहीं लगता कि जो इंस्टाग्राम पर जैसे हम रील्स वगैरह बना रहे हैं, बहुत मिनिमम टाइम होता है लेकिन उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो वो चैलेंज नहीं लगता आपको? हाँ, वो तो चैलेंजिंग होता ही है। लाइक मतलब शुरू में मैंने यूट्यूब से ही किया था कि, क्योंकि यूट्यूब में क्या है कि आपके पास आज़ादी होती है कि आप कितना भी बड़ा वीडियो चाहे बना लो,
आप कितने भी टाइम तक बोल सकते हो, लेकिन रील में क्या है कि लाइक अभी तो एक मिनट का ही टाइम होता है, एक मिनट के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें दिखानी होती है और उसमें भी आपको थोड़ी क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। सुमित, सबका एक अपना अपना स्टाइल होता है, तो आपके फॉलोअर्स आपको किस स्टाइल के लिए पहचानते हैं? वैसे लाइक मुझे बहुत लोग डीएम करते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरी द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, लाइक कि मैं जिस हिसाब से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसा नहीं कि लाइक डायरेक्टली मैंने बता दिया, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करता हूँ शुरू में, और थोड़ी बहुत एडिटिंग भी मेरी अच्छी होती है, जो कि मैंने मेरे फॉलोअर्स मुझे बताते रहते हैं कि आपकी एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, तो ये दो चीज़ों की वजह से लोग ज़्यादा मेरा काम पसंद करते हैं। सुमित, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं वीडियो को। ओके। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको एक वर्ड में आंसर देना है। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन सा है? यहाँ के नहीं है वो, इरफान जुनू जो करके, जो कि पाकिस्तान के है, गुजरात में है एक डूड सीरियसली करके। योर फेवरेट कलर? रेड। मैंने भी आज रेड पहना। यू हैव एनी पेट? या मेरे पास दो कैट है। कैट का ज्यादा शौक है आपको? हाँ, लाइक मतलब कि मेरे घर में ऐसे ही रैंडमली वो लोग आ गए थे, तो फिर हम मतलब खाना पीना डेली हम देते थे, तो फिर मेरे घर पे ही रहने लगे, तो फिर मैंने दोनों को एडॉप्ट किया। यू आर मॉर्निंग पर्सन और नाइट? मॉर्निंग। योर निकनेम? वैसे तो निकनेम नहीं है मेरा कुछ, लेकिन मेरे जो मामी थे वो मुझे सोनू करके बुलाते थे। योर चाइल्ड मेमोरी? जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी हर बर्थडे पे जो है सेलिब्रेट करती थी मेरा बर्थडे, तो वो मेमोरी काफ़ी अच्छी है, घर के एरिया में से मतलब मोहल्ले में से सारे लोगों को बुलाकर इकट्ठा होकर जो मम्मी केक काट कटिंग करती थी, तो वो मेमोरी अच्छी है। योर सिंगर? अभी कई सारे फैंस को इस क्वेश्चन का इंतजार होगा, मैंने आज रिवील कर दिया। तो कोई मेंटर होगा, गुरु, आप किसको मानते हैं? अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहा हूँ और सामने वाला इंसान मेरे लेवल का है या मेरे फील्ड में छोटा है या बड़ा है, अगर मुझे सीखने को मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली सीखूंगा। बहुत सारे लोग, आपने भी अभी 1.5 साल ही हुआ आपको पेज स्टार्ट किए? ये एक्चुअली ये वडोदरा इनसाइडर को 1.5 साल हुआ, लेकिन मैं जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ लाइक 2014 या 2015 से कर रहा हूँ। सुमित, बहुत सारे लोग हैं, आप यंग हैं, तो कई यंग पर्सन अभी इस ओर आ रहे हैं, जैसे आपने जॉब छोड़ी वैसे ही कई लोग हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनको कौन से टिप्स देना चाहोगे? सक्सेस का मतलब मुझे लाइक मेरे लिए सक्सेस मतलब चीज़ है ही नहीं कि इस चीज़ को सक्सेस कहते हैं। आप कुछ चीज़ अगर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए वो प्रोसेस कर रहे हो, तो उस प्रोसेस के दौरान ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको इन्जॉय करनी होती है, जैसे कि कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सक्सेस मिले हर किसी को, सक्सेस के लिए लड़ना ज़रूरी होता है। अगर फिर आगे जाके ऐसा खुद को लाइक मन में ऐसा होना नहीं चाहिए कि यार वो चीज़ मैंने ट्राई नहीं की, अगर वो चीज़ ट्राई कर ली होती तो शायद, तो हर चीज़ को अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को आपको ट्राई करना चाहिए तो वो ट्राई करो, ताकि आगे जाके आपको रियलाइज हो चलो भले सक्सेस नहीं हुई लेकिन मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। तो एक लास्ट मैसेज दे दीजिए हमारे जो कई सारे फैंस हैं जो इन्फ्लुएंसिंग का कोर्स कर रहे होंगे, कई लोग ट्राई कर रहे होंगे, तो उनको आप क्या देना चाहते हैं मैसेज अपना? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो अपने सच्चे मन से करें, लगाव से करें, और शुरू के टाइम में आपको हो सकता है कि थोड़ा फैमिली का सपोर्ट ना मिले, आपको अपने आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई आपको बोले कि भाई ये सब चीज़ें सही नहीं, ये मत करो, लेकिन अगर आपको है कॉन्फिडेंस खुद में कि आप कर सकते हो, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ करने के लिए आप सारी चीज़ें छोड़ दो, स्टडी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, दोनों को मैनेज करना आना चाहिए, और तभी आप जो है इस अच्छा आपको एक सक्सेस मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ सुमित देसाई, और आप में से भी कई लोगों का ऐसा होगा कि आप एक फील्ड में जा रहे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका इस और भी इंटरेस्ट होगा इन्फ्लुएंसिंग के लिए, अब इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते होंगे, बहुत सारे एक्टिंग वीडियोस बनाते होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे कि आप जॉब छोड़ो या ना छोड़ो, आप अपना बिजनेस छोड़ो या ना छोड़ो,
तो उसमें से इन्होंने जैसा बताया, इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जॉब छोड़ के इस फील्ड को चुना, तो आप भी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप वो काम करिए, क्योंकि इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें दिल लगा के काम करना ज़रूरी होता है और सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है। और इसी प्रकार के और इन्फ्लुएंसर से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में और देखते रहिए VNM TV। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया? काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium, 3 BHK large size apartments, yatam number se grand living room with an amazing view, sath ek comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehla bedroom with an amazing balcony view, sath the second bedroom
which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand, and so beautiful. Best vada apartments ni ese ka ya tumne mara se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीआराम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं सेहत की घुट्टी, क्योंकि आजकल आप सब और हम सब जिस लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं, कई सारी बीमारियां अपने आप हमारी ओर आगे बढ़ती जा रही है और तरह तरह की बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन अब आसपास के लोगों में जो बीमारियां बढ़ती जा रही है उस पर हम आपको साइंटिफिक नॉलेज और खासकर मेडिकल नॉलेज वीएनएम के जरिए प्रदान करते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं, अलग अलग बीमारियों पर बात होती है ताकि आप कभी भी, आप या आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स अगर उस तरीके की कोई भी समस्या से गुजर रहे हो तो आप एक ऑथेंटिक नॉलेज ले सकते हैं और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। कई सारी बीमारियों को वैसे ही निग्लेक्ट कर देते हैं लेकिन वो बीमारी भी गंभीर हो सकती है, आगे चलकर कोई बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकती है। ये वीएनएम के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज एक नए टॉपिक पर सेहत की घुटी में बात होगी और बात करने के लिए मेरे साथ आदिक्यूराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वस्कुलर सर्जन डॉक्टर कुशान नानावटी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज का टॉपिक है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब ये किस बला का नाम है ये तो हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। और क्या ये गंभीर बीमारी है, क्या इसका इलाज होना चाहिए, क्या एक्सपर्ट से इलाज होना चाहिए, ये सारे सवाल जवाब मैं करूंगी। सर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बहुत सारी बीमारियां अब लोगों को परेशान करती रहती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है आखिरकार? डीप वेन थ्रोम्बोसिस समझने से पहले हमें शरीर की खून की नसों के बारे में जानना जरूरी है। मुख्य प्रकार से शरीर में दो प्रकार की खून की नसें होती है। एक होती है आर्टरीज, जो बेसिकली साफ खून को बॉडी के पार्ट्स तक, हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाती है, और दूसरी होती है वेन्स, जो कि खराब खून को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ कैरी करती है। जब इन वेन्स में खून के थप्पे जम जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के नाम से जाना जाता है, या डीवीटी के शॉर्ट फॉर्म से भी कई लोग उसे जानते हैं। जी, तो बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं से परेशान होते हैं कि उनकी नस में कहीं ना कहीं गठान हो जाती है जो आगे चलकर बड़ी समस्या हो सकती है। आखिरकार क्यों होता है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कोई वजह है सर खास कि उसकी वजह से बीमारी लोगों को होती है? डीवीटी होने के कई सारे कारण होते हैं। उन पेशेंट्स में जो कोई लंबे समय से बेड रिडन स्टेटस में हो, या तो कोई बड़ी सर्जरी से गुजरते हों, जैसे कि कोई फ्रैक्चर हुआ है, या कोई मेजर एब्डोमिनल ऑपरेशन, ब्रेन या स्पाइन सर्जरी हुई है, इवन प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। कई बार विंटर और समर के टाइम में जब डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है, तब भी खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस विदाउट एनी रीजन भी हो सकता है। बहुत बार हमने ये सुना है कि खून जम जाता है और इसलिए कई बार खून पतला करने की भी दवाइयां लेनी पड़ती है। जब बात हो रही है डीवीटी की तो सिम्टम्स क्या है, आखिरकार कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये शायद कोई वैसी बीमारी नहीं है जो फौरन दिखेगी या बहुत वक्त का हो भी सकती है। सिम्टम्स क्या है सर? डीवीटी ज्यादातर पैरों में पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली। शरीर के और बॉडी ऑर्गन्स में, हाथों में भी हो सकता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब डीवीटी पैरों में होता है कॉमनली, तो पैरों में अचानक से सूजन आ जाना, एक साथ एक पैर में या दोनों पैर में हो सकता है। अच्छा। या एक पैर में भी पॉसिबल है डीवीटी। सूजन के साथ साथ पैरों में हैवीनेस, पेन और कई कबार रेडनेस के सिम्टम्स भी आते हैं, और ये अचानक से होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी भी नहीं है कि कुछ चोट लगी हो या माइनर चोट लगी हो,
आप प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग किया हो उसके बाद पैरों में अचानक से स्वेलिंग ऑब्जर्व हो, ये भी पॉसिबल होता है। ये सिम्टम्स माइल्ड से लेके सीवियर फॉर्म तक हो सकते हैं, मतलब कि हल्का सा पैरों में पेन, एकिंग पेन हो या माइनर स्वेलिंग हो, वहां से लेके एकदम पैर हाथी की तरह मोटा हो जाए, अच्छा। एकदम टाइट हो जाए, वैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ओके, लॉन्ग फ्लाइट में बहुत बार ये समस्याएं सामने आती है और ये सारी चीजें ऐसी हम सोचते हैं कि हम बैठे रहे इसलिए हो गया होगा, तो शायद हम इसे इग्नोर कर दें कि ठीक हो जाएगा, दर्द हो रहा है या क्लॉट हो गया बैठे रहे तो शायद पैर जम गया, ऐसा कुछ नस चढ़ गई है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, तो ऐसी सारी चीजों को हम अपने रूप से एज्यूम कर लेते हैं लेकिन हो सकता है कि वो डीवीटी हो। सर, डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? डायग्नोसिस से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, अगर डीवीटी को मिस किया जाए, जैसे आपने बताया कि कई लोगों को होता है कि ये तो हल्की सी नॉर्मल स्वेलिंग ही है, ठीक हो जाएगी, पर अगर वो डीवीटी है और अगर उसे निग्लेक्ट किया जाता है, अगर चलना फिरना और नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टाइल कंटिन्यू की जाती है, तो हो सकता है कि वेन का कोई छोटा सा टुकड़ा छूट के सर्कुलेशन में आगे जाके लंग्स में रुकावट कर सकता है या हार्ट पे दबाव बना सकता है, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जाना जाता है, और वो एक घातक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जैसे जब भी इस प्रकार के सिम्टम्स नोटिस हो, स्पेशली आफ्टर एनी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन या लॉन्ग ट्रैवल जर्नी, तो डीवीटी डेफिनेटली सस्पेक्ट करना चाहिए। अब आप डायग्नोसिस की बात की, तो डायग्नोसिस सबसे पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, जो हमने सिम्टम बताए वो सिम्टम के बेसिस पे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके फर्स्ट लाइन डॉक्टर जो होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन या सर्जन के पास जाते हैं, और वो पहले क्लिनिकली एग्जामिन करके डीवीटी सस्पेक्ट अगर करते हैं, देन वो डॉक्टर आपको वास्कुलर सर्जन के पास रिफर करते हैं। अब इतनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है लोगों में कि लोग डायरेक्टली डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए वास्कुलर सर्जन के पास जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज डन बाय वास्कुलर सर्जन ओनली। वास्कुलर सर्जन पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद एक कलर डॉपलर टेस्ट एडवाइस करते हैं, जो कि एक प्रकार की खून की नसों की सोनोग्राफी है, 5 से 10 मिनट में हो जाती है, जिससे डेफिनेटिव डायग्नोसिस डीप वेन थ्रोम्बोसिस का हो सकता है। उसमें कौन कौन सी वेन में क्लॉट है, कितनी सीवियरिटी है, वो सारी बातें हम जान सकते हैं। उसके उपरांत एक डी डाइमर करके ब्लड टेस्ट होता है, जो भी कोविड में काफी प्रचलित हुआ था, सबको पता था, सबको पता चल गया डी डाइमर। सो डीवीटी कोविड के बाद काफी प्रचलित हुआ, क्योंकि कोविड में भी खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी होती थी और हम कई डीवीटी के पेशेंट्स देखते थे कोविड के दौरान भी। सो डी डाइमर एक मार्कर है जो कि अंदाजा देता है कि डीवीटी हो सकता है आपको, डेफिनेटिव डायग्नोसिस कलर डॉपलर टेस्ट के बाद ही हो सकता है। अच्छा, और क्या अक्सर कोई एज ग्रुप है कि ये एज ग्रुप में ये बीमारी ज्यादा देखने मिलती है? हम लोग 1 साल से लेके 102 ईयर्स के, मेरे एल्डेस्ट पेशेंट इज 102 ईयर्स ओल्ड, किसी भी एज में हो सकता है। बच्चों में ज्यादातर डीवीटी किसी भी प्रकार की आईवी लाइन इंजेक्शन, इंजेक्टेबल लाइन डालने के बाद हो सकता है। बेसिकली जो बच्चों को इंडोर एडमिशन करके हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उन्हीं बच्चों में होता है। मतलब कुछ गड़बड़ हुई तो होता है, या यूजुअली बच्चों में नहीं, हो सकता है कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई के रिएक्शन से भी, साइड इफेक्ट की वजह से कॉमनली हो सकता है ये चीज, तो बच्चों में यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही होता है। 16-18 साल की एज के बाद विदाउट एनी रीजन भी हो सकता है। चलिए, जब बीमारियां विदाउट एनी रीजन होने लगी तो उसकी ट्रीटमेंट जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आजकल जब भी कोई बीमारी का नाम आता है हम फौरन गूगल करने लग जाते हैं और कई बार उलमे से चूलमे फंस जाते हैं, और इसीलिए वीआरएम पर हम आपको सेहत की घुट्टी लगातार नियमित अंतराल पर पिलाते रहते हैं और एक मेडिकल नॉलेज आप तक हमारे जरिए पहुंचता है। एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ आते हैं और आप जो जानना चाहते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर कुशन नानावटी, वास्कुलर सर्जन वडोदरा के, हमसे बात कर रहे हैं और बात हो रही है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सर, बहुत सारी बातें हो गई तो अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है और कितनी लंबी चल सकती है? डीवीटी के ट्रीटमेंट के बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं। जब माइल्डर फॉर्म में डीवीटी होता है, जो कि घुटनों के नीचे की नसों में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसे ब्लड थिनर्स, इनिशियली इंजेक्टेबल ब्लड थिनर्स, और उसके बाद हम जब स्वेलिंग और सिम्टम्स सेटल हो जाएं, 1 वीक के बाद हम
दवाइयों पे स्विच ओवर कर देते हैं, वो दवाइयां 3 से 6 महीनों तक लेनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन दी कितना रिकवरी है। तो हम बेसिकली 3 महीने तक खून पतला करने वाली दवाई देते हैं, उसके बाद एक वापस से सोनोग्राफी करके देखते हैं कि खून की नसें ठीक से खुल गई हैं या नहीं। तो नसें खुल जाने के बाद उन दवाइयों को हम स्टॉप कर सकते हैं। एक्सटेंसिव डीबीटी जिनमें पेट की नस तक क्लॉटिंग एक्सटेंड हुई हो और पेशेंट 18 से 60 साल की उम्र के बीच में हो, उन पेशेंट्स में हमारे पास एक स्पेशल एंजियोजेट डिवाइस करके इंस्ट्रूमेंट है। उसमें बेसिकली घुटने के पीछे की नस में एक बोतल चढ़ाने की सुई होती है, वैसे छोटी सी सुई लगाई जाती है, उसके थ्रू ये डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो सारे क्लॉट्स को खींच के निकाल लेता है जी। इस प्रोसीजर के दौरान भी क्लॉट छूट के फेफड़े में जाने की संभावना रहती है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम एक IVC फिल्टर, इन्फीरियर वीना कावा फिल्टर, जो कि पेट की नस में से जो हार्ट में नस जाती है उसमें एक जगह की छन्नी डाल देते हैं, एक प्रकार की, जो कि क्लॉट को फेफड़े तक जाने से रोकती है और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो जैसे ही हम क्लॉट क्लियर कर लेते हैं तो स्वेलिंग 12 से 14 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 90% तक रिड्यूस हो जाती है, वापस से क्लॉटिंग होने की और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। अच्छा। और पेशेंट को जल्दी से हम डिस्चार्ज करके रूटीन लाइफस्टाइल में वापस भेज सकते हैं। फिल्टर को तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के लिए अंदर रखा जाता है, वो भी एक छोटी सी सुई डाल के ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसे भी एक पंचर से हम निकाल सकते हैं, जो कि निकालना कंपलसरी है 4 से 6 हफ्ते के बाद। सो एक्सटेंसिव डीबीटी में डीबीटी थ्रोम्बोलाइसिस, जो कि मैंने एंजियोजेट डिवाइस बताया, उससे करना ज्यादा फायदेमंद रहता है पेशेंट जी। बिल्कुल, जब मेडिकल साइंस इतना आधुनिक हो चुका है तो क्यों नहीं आधुनिक तकनीक से ही जब आपको बीमारी होती है तो उसका इलाज कराया जाए। बहुत सीधी सी बात है और वैसे सुनने में बहुत आसान सी बीमारी लग रही है लेकिन उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी लग रही है, और इसलिए ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी सर, क्या कोई गंभीर बीमारी है ये? हाँ, अगर इसको निग्लेक्ट किया जाए तो ये गंभीर बीमारी है। दो वजह से, एक तो मैंने बताया जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि जानलेवा हो सकता है, और दूसरा रीजन क्रॉनिक डीवीटी के चेंजेस, मतलब कि डीवीटी को अगर ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो एक क्रॉनिक डीवीटी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि लंबे समय तक प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें बेसिकली खून की नसें ना खुलने की वजह से पैरों में कालापन होना, चमड़ियों में कालापन होना, पैरों में स्वेलिंग, इचिंग, और लंबे समय पे अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पैरों में जख्म भी बन सकते हैं। अच्छा। सो डीवीटी के ये दो मुख्य कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आइदर लाइफ थ्रेटनिंग या तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। और अर्ली डीवीटी को अगर जितना जल्दी डायग्नोस किया जाए और ट्रीट किया जाए तो वो क्लॉट को घुलाने के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि फ्रेश क्लॉट जल्दी से घुल जाता है। बिल्कुल, मैं वही सवाल पूछने वाली थी कि इस बीमारी का टाइम ड्यूरेशन क्या हो सकता है, क्या मेडिसिन से ठीक हो सकता है कि सर्जरी ही इसका इलाज हो सकता है? जैसे कि मैंने बताया आपको कि घुटने के नीचे की अगर नसें इन्वॉल्व है तो मेडिसिन आर सफिशिएंट टू ट्रीट। अगर पेट की नस तक अगर एक्सटेंड हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच, इट इज नॉट अ सर्जरी, इट इज लाइक डूइंग अ एंजियोप्लास्टी। जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होती है उसी प्रकार से पैरों में भी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, पर वो काफी कम रिस्की होता है, इट इज नॉट एज रिस्की एज हार्ट। राइट। बट ये अगर आपके नजदीकी आपके शहर में अगर ये फैसिलिटी उपलब्ध है तो डेफिनेटली उसे करना चाहिए, स्पेशली इन यंग पेशेंट्स, जो 18 से 50 की एज तक के पेशेंट्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए मिनिमल इन्वेसिव जो थ्रोम्बोलाइसिस प्रोसीजर है वो करना जरूरी है। कई बार पेशेंट हमारे पास लेट पहुंचते हैं, जैसे कि 14 दिनों के बाद थ्रोम्बोलाइसिस का इफेक्ट इतना नहीं रहता, क्योंकि जो क्लॉट्स होते हैं वो खून की नसों की दीवारों के बीच में चिपकने लगते हैं, सो दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। उन पेशेंट्स में फिर ब्लड थिनर मेडिसिन और इंजेक्शन का ही रोल रह जाता है। तो अगर भाई इस तरह की कोई भी समस्या है तो जरूर जल्द से जल्द एक्सपर्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, और वडोदरा में आदिक्यूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सारी जो ट्रीटमेंट है, आधुनिक मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो अवेलेबल है। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन जब भी कोई एक्सपर्ट यहाँ आते हैं मैं ये जरूर पूछती हूँ कि चलिए बीमारी की बात भी हो गई, ट्रीटमेंट की बात भी हो गई, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिससे बीमारी हो ही ना? हमेशा ही कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कुछ ऐसा है सर कि इस तरह की बीमारियों से हम दूर रह सके? सबसे पहले तो विंटर और समर, जिस दौरान ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज्यादा होता है, कोई वजह उसकी, वेदर का? सो इन वेदर्स में विंटर में यूजुअली हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है, और समर्स में वैसे भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो मार्च इज
सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज अ डीवीटी अवेयरनेस मंथ. सो पूरे विश्व में डीप वेन थ्रोम्बोसिस अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं मार्च महीने में जी. तो उसी आसपास सबसे ज्यादा डीवीटी के केसेस पाए जाते हैं. सो इन दौरान बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है. एटलीस्ट 3.5 से 4 लीटर पानी का इंटेक रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप आउटडोर काम कर रहे हैं, सन एक्सपोजर ज्यादा है तो वाटर इंटेक और भी ज्यादा लेना चाहिए. दूसरा, जिन लोगों को बैठ के काम करने की प्रोफाइल है, जैसे कि डेस्क जॉब है या कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनमें जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है उसे ई थ्रोम्बोसिस के नाम से भी जाना जाता है. सो उन प्रोफेशनल्स को अपने पैरों की मूवमेंट करते रहनी चाहिए, एंकल जॉइंट्स के आसपास ये मूवमेंट करते रहें और हर 45 मिनट्स पे एक छोटा सा वॉक लेना चाहिए. सिमिलरली अगर प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग है फ्लाइट में या ट्रेन में तो आप बीच में 45 मिनट्स 1 आवर पे वॉक कर सकते हैं. प्रिवेंशन के लिए एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंटिव स्टॉकिंग्स भी आते हैं. अच्छा. एक प्रकार की स्पेशल जुराब होती है, सॉक्स होती है, ट्रैवलिंग के दरमियान वो पहन के थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट कर किया जा सकता है. अगर आप कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो 1-2 घंटे के अंदर ब्रेक लेकर वी शुड डू वॉकिंग. दूसरा, जिन पेशेंट्स को हाई रिस्क एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, सिमिलरली हार्ट में जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें हार्ट का रिस्क बढ़ा देती है, उसी प्रकार से ये सारे रिस्क फैक्टर्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस के भी चांसेस बढ़ा देती हैं. तो सो टोबैको कंजम्पशन अवॉइड करना चाहिए और अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखना जरूरी है. जो पेशेंट्स प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, बेड रेस्ट से गुजरने वाले हैं, कोई मेजर सर्जरी, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, या तो प्रेगनेंसी है या तो कोई भी मेजर सर्जरी हुई है बेसिकली, तो उन पेशेंट्स में डीवीटी प्रिवेंट करने के लिए आपके डॉक्टर ब्लड थिनर्स देते हैं लो डोज में एज अ प्रिवेंटिव डोज. सो अगर ऐसी कोई मेजर सर्जरी है तो आपको आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए कि मुझे डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए. आजकल हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बाद भी काफी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट्स देखते हैं. कैंसर में भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की संभावना होती है. सो ये सारी कंडीशंस हैं उसमें डीवीटी के चांसेस हैं, तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस प्रिवेंटिव थिंग्स. वो केयरफुल हम तभी रह सकते हैं जब आप वीएनएम टीवी देखते रहेंगे और यहाँ एक्सपर्ट की बातों को जानते रहेंगे. अब सारी आपके जो मेडिकेशन होते हैं उसमें कई बार आपको खून पतला करने की दवाइयां दी ही जाती है, आपने ये नोटिस किया होगा आपके आसपास अगर कोई बीमार हुआ है तो बीमारी वैसे बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो गंभीर परिणामों में तब्दील हो सके. और इसलिए बहुत अच्छी सी बातें हैं जो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, एक ही जगह पर हम घंटों तक बैठे रहते हैं, हम उठना नहीं चाहते, मूवमेंट नहीं करना चाहते, कोई पानी ला के पिला दे, तो ऐसी आजकल सबकी लाइफ हो गई है और वही लाइफ हमें कहीं कहीं बीमारियों की ओर ले जा रही है. और इसीलिए जो चीजें होनी चाहिए वो वैसे हम सब जानते हैं लेकिन हैमरिंग हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम जानते सब कुछ है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते. और इसीलिए वीएनएम टीवी पर एक्सपर्ट डॉक्टर हमेशा ही अलग अलग बीमारियों पर आपको नॉलेज देते रहते हैं. आज हमने बात की डॉक्टर कुशांत नानावटी से. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके. थैंक यू. थैंक यू. वास्कुलर सर्जन डॉक्टर कुशांत नानावटी हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में बता रहे थे और मुझे लगता है कि आपको काफी सारी जानकारी मिल ही गई होगी. अगर और भी कोई आपकी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं. वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम टीवी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके. फेसबुक पर देख रहे शेयर जरूर कीजिए. ये बीमारियां अब घर घर में देखने मिल रही है. आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, देखते रहिए डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना लाइव 2400 घंटे देखा जा सकता है. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.